अब जरा निकलते हैं, सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। चीपर ऑप्शन पहुंच चुका हूं हेलसिंकी, जो कैपिटल है फिनलैंड की। अब देखते हैं यहां से बस ठीक पड़ेगी या ट्रेन। सिटी सेंटर अपने हॉस्टल पहुंच के फिर आपसे बात करता हूं। लेकिन उससे पहले एक बार ये अपना पैकेज कलेक्ट करना होगा, फिर आपको ये भी दिखाता हूँ कि बस कैसे पकड़ी जाएगी यहाँ से एयरपोर्ट से, या ट्रेन। वैसे ट्रेन इज़ अ चीपर ऑप्शन, देखते हैं। आपको बस, ट्रेन, टैक्सी जो भी पकड़ना है, बस ये एग्ज़िट की साइंस फॉलो करते जाइए। दीज एग्ज़िट साइंस आर वेल प्लेस्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और इधर एक डिस्प्ले भी दे रखा है जहाँ पर टाइम टेबल ट्रेन्स का, ट्रेन्स के बाद बस का और टैक्सी का। टैक्सी सबसे महंगी लग रही है। हेलसिंकी सिटी सेंटर जाने के लिए 35 से 40 यूरो आपको लगेंगे, और जितना मैंने पढ़ा है बस ट्रेन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, 4-5 यूरो लगने चाहिए। ट्रेन स्टेशन इनका काफ़ी नीचे है, मैं एटलीस्ट 2-3 एस्केलेटर्स उतर के आया हूँ। फाइनली ट्रेन स्टेशन पे पहुँच गया हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू टेक अ ट्रेन, और इसलिए भी क्योंकि ट्रेन से आपको 20-25 मिनट में आप पहुँच जाओगे सिटी सेंटर। सामने ये मशीन्स जो लगी हुई हैं ब्लू कलर की, यहाँ से आप टिकट्स बाय कर सकते हैं। टिकट का प्राइस देखना पड़ेगा। कोहिन्स की बारिश हो गई है यार, इनको संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। कैसे रख के ले जाऊंगा इनको पॉकेट्स में। आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, ये बॉक्सेस में आपको अपनी टिकट वैलिडेट करनी होती है, जिससे टिकट के ऊपर आ जाती है डेट। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कर लिया अपनी टिकट वैलिडेट। ऐसे 4.10 यूरो की पड़ी है टिकट मुझे।
विद ऑल द लाइट्स जगह लग तो रही है मज़ेदार। हॉस्टल ढूंढने में बहुत ही दिक्कत हुई है क्योंकि गूगल लोकेशन पर इसकी जो लोकेशन है वो गलत दिखा रखी थी। फ़ोन करा मैंने, मैसेज करे, मैसेज ड्रॉप करे, तब जाके मिला है। और आप देखिए मेरा जो हॉस्टल है वो है फुली सिक्योर। ये आपको की भेजते हैं जिसको प्रेस करने के बाद आप गेट खोल पाएंगे। और नॉट ओनली दिस, जो उनका मेन गेट है वहाँ के भी उन्होंने एक एक्सेस की दी हुई है। एक बार ऊपर पहुँच के देखते हैं। ओह लिफ्ट से निकलती है। दिस इज़ द यार्ड हॉस्टल। इसकी रेटिंग है 9.1 hostel.com पे। और ये की प्रेस करनी पड़ेगी 9797, टूटा हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं। 9 द सिटिंग एरिया। और यहाँ पर सब लोगों ने अपने शूज़ उतार रखे हैं तो विल हैव टू फॉलो दिस। इसके बाद बढ़ते रिसेप्शन की तरफ। मैसेज आया था कि रिसेप्शन पर मेरे नाम का एक एनवलप होगा। ये रहा वो एनवलप। द थिंग इज़ कि ये रिसेप्शन जल्दी बंद कर देते हैं अराउंड 6 PM, और उसके बाद जो भी आता है उनके लिए ये एनवलप छोड़ देते हैं। इसमें आपकी कीज़ और बाकी इन्फॉर्मेशन होती है। चलो चेक करते हैं। दो कार्ड कीज़ हैं, एक्सेस कीज टू माय रूम। डॉर्मेट्री का नंबर देखता हूँ क्या है। निकल जाए यार। हाँ तो डॉर्मेट्री का नंबर है हमारा 4, तो रूम नंबर 4, डॉर्मेट्री 4। और कार्ड कीज़ इन्होंने दे दी हैं, बाकी इंस्ट्रक्शंस भी हैं साथ में। दिस इज़ माई डॉर्मेट्री। करूँगी नीचे के तो दोनों, हाँ ये सारे ऑक्यूपाइड लग रहे हैं। इनर कोर्टयार्ड ऑफ द बिल्डिंग। दिस इज़ माई बेड, ऊपर है। आई प्रेफर नीचे वाले, बट ठीक है अभी अभी जो भी अवेलेबल है। ओह शीट्स दे रखी हैं, बिछानी भी खुद पड़ेंगी। हाय व्हाट्स अप, गुड इवनिंग। हेलसिंकी में हूँ, वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बोला जाता है फिनलैंड को। सुंदर सिटी है, दिखाता हूँ आपको। शाम का टाइम है, दोपहर में सो गया था आके हॉस्टल में बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड फ्रॉम लास्ट नाइट। रात में भी सोया था लेकिन नींद पूरी नहीं हुई तो दोपहर में भी आके सो गया हूँ। अब ज़रा निकलते हैं, सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। दिखाता हूँ आपको कुछ यहाँ की लैंडमार्क बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कुछ सिटी का आर्किटेक्चर कैसा है, प्लस जो भी यहाँ पर अट्रैक्शंस है मेजर वो सारे कवर करता हूँ। देखिए बताना आपको कैसी लगी है सिटी। तो आज ये सिटी हम दोनों कवर करने वाले हैं। मेरा कज़न तरुण मेरे साथ है। हाय। सिर्फ सिटी पे ध्यान देना, हमारी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि आपको पता है बात कैसी भी हो सकती है। आई ट्राई टू म्यूट, जो भी ऐसी ऐसी बात होगी मैं म्यूट कर दूँ अपने वीडियो में, बट फिर भी स्टिल।
टेक अ लेफ्ट। कैसा लग रहा तरुणी? नाइस नाइस नहीं भाई, ये वीडियो के लिए नाइस मत बोल, असली असली वाला बता। इतना असली नहीं, मतलब नॉर्मल ऐसे मत बोल, मतलब अच्छा तो है यार, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक ही करता है। This is art museum, ना? हाँ, इसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ, वो बच्चे चढ़ रहे घूम रहे। Let's try to climb it. Try क्या? हम तो चढ़ ही जाएंगे। ये है एकदम गोल शेप में, मेरा कैमरा ना टूट जाए मेरे साथ साथ। ये भी सिटी है, कॉम्पैक्ट, सारी शांत भी। हाँ, सारी लोग ही गए हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है हेलसिंकी की। देख ले कितनी कितनी दूर पे लोग दिखाई दे रहे हैं तेरे को। ज्यादा भी होती तो क्या ही उखाड़ लेते बेचारे। कितना शोर मचा लेते, क्या कर लेते यहाँ लोग ही ऐसे भी। Thank you.
टाइम गड़बड़ है थोड़ी। वैसे भी बहुत ही कम आते होंगे जिस जिस उससे पेरिस फ्रांस इटली ये सब जाते हैं, उससे जाते तो बहुत कम। वो रीजन ही अलग है ना।